हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी का जो बुक 2 है उसका एक चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बुक 2 के अंदर सिर्फ दो ही चैप्टर्स हैं, एक है इश्यू ऑफ शेयर और एक है इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो हम इस वाली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आपको पूरे इश्यू ऑफ डिबेंचर के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे और पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं यहां से मैं सभी आपको करवा दूंगा। इसके बाद आप सीधे अपने सैंपल पेपर को उठाना और उसमें से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको वो क्वेश्चंस आते होंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिबेंचर को मैं साथ के साथ शेयर्स वाले चैप्टर से रिलेट करूंगा क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर हैं। तो देखो, मैं आपको पहले समझाता हूं कि इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता था, अब बताऊंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या होगा। तो देखो, इश्यू ऑफ शेयर में एक कंपनी होती थी, एक कंपनी को पैसों की जरूरत होती थी बिजनेस करने के लिए, तो वो जनरल पब्लिक को, कई सारे जनरल पब्लिक को अप्रोच करती थी पैसों के लिए और उनसे वो लेती थी पैसे और बदले में उनको देती थी अपनी कंपनी के शेयर्स। शेयर्स का मतलब होता है कि वो कंपनी अपने लोगों से कह रही है कि मैं आपको अपनी कंपनी का ओनर बना रही हूं, यानी कि जो शेयर्स जिन लोगों के पास होंगे कंपनी के वो हो जाते हैं शेयर होल्डर या फिर आप कहो ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऑन द अदर हैंड, डिबेंचर्स में भी जो प्रोसेस होता है बिल्कुल सेम होता है बट जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे कंपनी सेम टू सेम लोगों से, जनरल पब्लिक से पैसा रेस कर रही है, पैसे ले रही है और बदले में वो लोगों को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसको वो क्या कहती है, डिबेंचर्स। डिबेंचर नाम बड़ा भारी भरकम है बट आपको एक सिंपली एक बात बता देता हूं, डिबेंचर मतलब होता है एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो ये श्योर करता है कि हाँ कंपनी ने पैसे लिए हैं लोगों से और ये जो पैसा लिया है वो उधार लिया है, डेब्ट की तरह लिया है और इसलिए ये जो लोग होते हैं ओनर नहीं होते कंपनी के, ये कंपनी के लिए एक तरीके से लेंडर होते हैं जिन्होंने उधार दिया है। बात समझ आ रही है? तो जब शेयर्स होते हैं तब जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर हो जाता है कंपनी का। ऑन द अदर हैंड, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो कंपनी का लेंडर हो जाता है, यानी कि जिसने उधार दिया है। अब जो ओनर है उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा उसको कहा जाता है डिविडेंड। ऑन द अदर हैंड, जो लेंडर होता है उसे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको वो कहता है इंटरेस्ट। तो बस इसके अंदर इतना ही था, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो, यहां पे मैंने की पॉइंट्स दे रखे हैं कि शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड इन रिटर्न, डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट इन रिटर्न, शेयर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर इज लेंडर ऑफ द कंपनी। और अगर डिबेंचर की मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं तो डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो ये एविडेंस देता है, जो ये प्रमाण देता है कि कंपनी ने टेक लिया है लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक, आम जनता से लोन लिया है। अब जरा एक चीज सुनो, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं और किस सीक्वेंस में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करने वाले हैं। जो इश्यू ऑफ शेयर जिन बच्चों को आता है उनको तो ये वाला आसान लगेगा, सिर्फ शेयर को चेंज करके, शेयर कैपिटल को चेंज करके हम लोग डिबेंचर वर्ड यूज करेंगे, बाकी एब्सोल्युटली सेम रहेगा। फिर हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके अंदर एक नया एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, बाकी बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर जैसा ही है। तीसरा होता है जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, यहाँ पे हमारे 6 केसेस बनेंगे, मैं आपको एक एक केस जल्दी जल्दी करा दूंगा, सब समझ आ जाएगा। और फोर्थ हमारा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जिसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, डाउट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक होता है जो आमतौर पर बच्चों को समझ नहीं आता बट आप ये वीडियो देखोगे आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जर्नल फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आइए जरा, हाँ तो देखिए मैं आपको जरा बताता हूं, डिबेंचर्स जो होते हैं बेटा वो किस तरीके से इशू किए जा सकते हैं। डिबेंचर्स 3 तरीके से इशू किए जा सकते हैं, या तो वो कैश में इशू किए जा सकते हैं, यानी कि डिबेंचर दिए कंपनी ने और बदले में लोगों से कैश लिया, या फिर वो इशू किए जा सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि डिबेंचर इशू करने के बदले कंपनी को कैश नहीं मिल रहा, कैश के अलावा कुछ मिल रहा है, तो ये होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। और तीसरा होता है डिबेंचर इशू हुआ है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी कोलेटरल सिक्योरिटी जब तक मैं इसको पढ़ा नहीं रहा ना तब तक मैं इसके बारे में भी खास बात नहीं कर रहा, जब कराऊंगा तब डिटेल में समझा दूंगा। अब जरा सुनो, सबसे पहले हम लोग ये करने वाले हैं कि डिबेंचर आपने कैश में इशू किए हैं तो कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो हम डिबेंचर को पार पे इशू कर सकते हैं, या तो प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, या फिर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। याद रखना बेटा, जो शेयर्स होते थे, जो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते थे, वो सिर्फ पार या प्रीमियम पे इशू हो सकते थे, बट यहाँ पे एक नई चीज है, एक नया पॉइंट है कि जो डिबेंचर्स हैं वो पार प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं। अब ये जो पार प्रीमियम और डिस्काउंट है, अब ये तो मैंने आपको कंसिडर कर दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं,
अब जो पैसा रिसीव करेंगे हम शेयर इशू करने डिबेंचर इशू करने के बाद, या तो वो पैसा हम लोग लमसम में रिसीव करेंगे या हम लोग इंस्टॉलमेंट में रिसीव करेंगे। लमसम का मतलब है कि पूरी जो इशू प्राइस है, जितने रुपए में डिबेंचर इशू हुआ है, वो पूरा का पूरा पैसा हमने क्या करा है बेटा, एक साथ रिसीव कर लिया है। ऑन द अदर हैंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में टुकड़ों में पैसे मंगवाए हैं, कभी एप्लीकेशन, कभी अलॉटमेंट, कभी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। तो अब एक एक करके सारे केसेस करते हैं जल्दी जल्दी, आओ समझते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन बी डन इन थ्री वेज। जो पार होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की, सॉरी, और जो इश्यू प्राइस है, वो दोनों सेम टू सेम है। फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का मैं सिंपल मतलब आपको बता दूं तो देखो, फेस वैल्यू होती है जो डिबेंचर, एक कागज का अगर टुकड़ा है, उसकी फेस पे जो उसकी वैल्यू लिखी होती है। आसान शब्दों में कहूं कि एक तरीके से इसकी कॉस्ट कितने रुपए का डिबेंचर है, तो मान लेते हैं 100 रुपए का डिबेंचर है, तो ये होती है उसकी फेस वैल्यू। अब अगर इसे ध्यान से सुनो, इसे अगर कंपनी बेचती है, यानी कि सेलिंग प्राइस, इश्यू प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही बात होता है, यानी कि अगर कंपनी से इश्यू करती है 100 रुपए में ही, तो हम कहते हैं कि भैया पार पे इश्यू कर दिया, क्योंकि फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस बराबर है। अगर कंपनी इसे बेचती है कितने का, 120 रुपए का, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि भैया कंपनी ने प्रीमियम पे इश्यू किया है। एंड तीसरा, अगर इश्यू प्राइस बेटा 90 रुपीज है, यानी कि 100 रुपए से कम है, तो हम कहते हैं कि भैया डिस्काउंट पे इसने इश्यू किया है, ठीक है ना। अब पार आ, 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 ये रे, हाँ, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको पार में हर केस में मैं आपको लमसम एज वेल एज इंस्टॉलमेंट के केसेस कराऊंगा, आप जरा ध्यान से देखते जाना। और ये एंट्रीज बहुत इजी हैं, और सच बताऊं तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार कर लो, जब है टॉपिक तो करने में क्या बुराई है। पार का मतलब क्या होता है बेटा, फेस वैल्यू 100 है, इश्यू प्राइस भी 100 है। अगर लमसम में पैसा रिसीव किया है, लमसम मतलब पूरे इश्यू प्राइस, पूरा 100 का 100 रुपए का इश्यू प्राइस हमने एक साथ रिसीव कर लिया है। इश्यू प्राइस यानी कि जितने में बेचा है, तो अगर आपने 100 रुपए एक साथ रिसीव कर लिया है, यानी कि लमसम में पैसा रिसीव कर लिया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू 10%। या देखो 10% का मतलब क्या होता है, ये ना डिबेंचर का नाम होता है, और इसमें जो 10% है, ये बेसिकली बताता है कि इस डिबेंचर पे कितना हमको इंटरेस्ट देना है। तो 10% डिबेंचर, जैसे आप शेयर वाले चैप्टर में शेयर वर्ड यूज करते थे, वैसे यहां पे 10%, 9%, 12% कुछ भी हो सकता है। यहां मैंने 10% सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 100। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमेशा लगाएंगे बेटा जब भी पैसा लमसम में रिसीव हो, चाहे वो शेयर्स का केस हो चाहे डिबेंचर का केस हो। फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ये जो हमारा क्रेडिट हुआ था 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब हम इसको डेबिट कर देंगे 100 से और टू डिबेंचर अकाउंट कर देंगे 100 से। अब देखो 10% से अगर आप इरिटेट हो रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप इस 10% को काट भी सकते हो, कई बुक्स के अंदर इसको नहीं भी लिखा गया है, ठीक है ना। अब टू 10% डिबेंचर अकाउंट जो मैंने यहां पे लिखा है, वो एक तरीके से शेयर वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल को रिप्लेस कर रहा है, जिसमें हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, फेस वैल्यू हमेशा डालते हैं, वो चीज यहां पे आ जाती है। अब अगर यही पैसा हमने बेटा इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया होता, तो क्या होता, एप्लीकेशन में देखो जैसे इश्यू प्राइस है 100 रुपए की, तो हमने कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगवा लिया, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगवा लिया, कुछ पैसा हमने फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिया एंड सो ऑन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल सेम एंट्रीज होंगी, बिल्कुल इस तरीके से एंट्रीज होंगी, बस यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ना लिख के सिर्फ एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया है। फिर 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद अब अलॉटमेंट की जब बारी आएगी, एप्लीकेशन की तो एंट्री कर दी, अब जब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो बेटा पहले इसमें हम लोग ये वाली एंट्री जो है, ये वाली एंट्री होती है रिसीव की, ये वाली एंट्री होती है ड्यू की। तो हम लोग एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव की एंट्री करते हैं, फिर ड्यू की एंट्री करते हैं, बट अलॉटमेंट और उसके बाद जो भी कॉल्स होंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे फिर रिसीव की एंट्री करेंगे। यानी कि हम पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेंगे शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, फिर हम लोग वो रिसीव कर लेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनके एंट्री सिंपल है, अलॉटमेंट को काट के फर्स्ट लगा देना, फर्स्ट कॉल की हो जाएगी, अलॉटमेंट को काट के सेकंड कॉल लगा देना, सेकंड कॉल की हो जाएगी, दैट्स इट। अब प्रीमियम, प्रीमियम की क्या होगी केसेस, प्रीमियम यानी कि 100 रुपए फेस वैल्यू थी, इश्यू प्राइस है हमारी 120 रुपए। अब जरा ध्यान से देखो, लमसम का मतलब क्या हुआ कि पूरा पैसा 120 रुपए आपने एक साथ रिसीव कर लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 120 रुपए से, क्योंकि 120 रुपए आए, और टू 10% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
120 हो जाएगा। ये 10% याद मत कर लेना, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। फिर उसके बाद 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 120 से, और फिर 10% डिबेंचर अकाउंट में याद रखना जिंदगी भर हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, ये सिर्फ फेस वैल्यू कैरी करेगा, यानी कि ये 100 रुपए कैरी करेगा। और जो बचे हुए 20 रुपए हैं बेटा, बचे हुए 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो एक नए अकाउंट में जाएगा, जिसको हम कहेंगे SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। अब अगर यही पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया होता तो यार देखो बगल में एंट्रीज लिखी हुई है, एक बार आप देख लो। अगर SPR का पैसा हमारा अलॉटमेंट के साथ आ रहा है तो फिर बेटा उसमें हम अलॉटमेंट के केस में वो SPR ले लेंगे, एप्लीकेशन के साथ आ रहा है तो एप्लीकेशन में कर लेंगे। इस चीज में मैं ज्यादा घुसना नहीं चाहता क्योंकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगली एंट्री है, दैट इज डिस्काउंट से रिलेटेड। ये एक नई चीज है, नायाब चीज है, जो आपने शेयर्स वाले चैप्टर में नहीं कर रखी है। आइए समझते हैं। यहां पे फेस वैल्यू है कितनी, 100। इश्यू प्राइस कितना है इसका, 70 रुपीज है। ये बता रहा है कि 30 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है। अब लमसम में अगर पैसा रिसीव हुआ है तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट में बेटा हमेशा इश्यू प्राइस होगा, रट लो इस चीज को, हमेशा इश्यू प्राइस होगा। फिर इसको हमने क्या करा, डेबिट करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 70 रुपीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो 30 रुपए है ये आपने क्या दिया है, डिस्काउंट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, और कंपनी के लिए जो ये डिस्काउंट है बेटा वो क्या है, एक एक्सपेंस या फिर लॉस है, एक लॉस है ना, क्योंकि कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ रहा है। और डेबिट होते हैं सारे के सारे लॉसेस, या फिर जो भी लॉसेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे डेबिट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट का पोर्शन भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब यहां पे एक चीज है बेटा, या तो आप लिख सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, या फिर आप लिख सकते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मैं यहां पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कर दूंगा डेबिट 30 रुपीज से, 30 रुपए से, क्योंकि इतने का हमने डिस्काउंट दिया है। और जो डिबेंचर अकाउंट है उसके अंदर तो बेटा हमेशा फेस वैल्यू जाती है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर ही रखा है ना, पिछले केसेस में ही बता दिया था, इसमें भी बता दिया कि जो 100 रुपए की फेस वैल्यू है ये हमेशा डिबेंचर अकाउंट में जाएगी। और इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी जर्नल एंट्री हमेशा बैलेंस करेगी। आप इसे चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखो या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखो, एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है। इसके इंस्टॉलमेंट के केसेस आप लोग एक बार खुद रीड कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये थ्योरी है, अभी इसको मैं स्किप करा रहा हूं। अब जरा देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, क्योंकि देखो चांसेस ऑल्दो वेरी बहुत कम है, बट अगर आ गया तो कभी इजी क्वेश्चन की वजह से अगर हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो इससे शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती है। अब देखो, SPI कंपनी लिमिटेड इश्यूड 20,000, इधर देखो बेटा 20,000 के बगल में रुपीस का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज पता है क्या दे रखी है, ये दे रखी है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने कंपनी ने इश्यू किए हैं, 9% डिबेंचर्स। इसमें जो 9% है ये क्या है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर, कि जो डिबेंचर्स हमने पैसा लिया है उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, जब भी ऐसा लिखा होगा तो ये हमेशा बेटा फेस वैल्यू दे रखी है डिबेंचर की, एट पार, यानी कि जो डिबेंचर्स हैं वो पार पे इशू हुए हैं, तो अगर फेस वैल्यू 100 है बेटा इशू प्राइस भी कितना हो जाएगा, इशू प्राइस भी 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2019, और ये सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पे करना है, यानी कि ये केस किस चीज का है, लमसम का, क्योंकि जितना पैसा है पूरा का पूरा आपको एप्लीकेशन के साथ पे करना है। तो ऐसा कब होता है, जब लमसम का केस होता है। एप्लीकेशंस रिसीव हो गई थी बेटा 20,000 डिबेंचर्स की, जर्नल एंट्री पास करो। तो भैया ये ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू में इशू प्राइस कितना है 100, ये हो गया। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसमें 9% डिबेंचर्स में हमेशा बेटा क्या जाएगा, फेस वैल्यू जाएगी, 20,000 इनटू में 100 फेस वैल्यू चली गई, बात खत्म। आगे चल रहा हूं मैं। अब ये इंस्टॉलमेंट का केस है, 4,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ, ऑफ ₹100 ईच, ये क्या दे रखा है, ये फेस वैल्यू दे रखी है। पेबल एट ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा इंस्टॉलमेंट का केस, ये है हमारा पार प्लस इंस्टॉलमेंट का केस, क्योंकि कहीं भी प्रीमियम की बात नहीं कर रखी, डिस्काउंट की बात नहीं कर रखी, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई पार पे इशू किए हमने डिबेंचर्स, तो पार और इंस्टॉलमेंट है वो जनरल एंट्रीज कर देना। कैसे करेंगे, 20 रुपए एप्लीकेशन है, बाकी
अलॉटमेंट पे है, यानी कि 80 रुपीज होंगे अलॉटमेंट पे, क्योंकि 100 रुपए टोटल रिसीव करने हैं। अब जरा देखो, अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड इनटू में, एप्लीकेशन पे कितना पैसा है सिर्फ 20 रुपीज, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन में भी 20 के हिसाब से 80,000 चले जाएंगे। फिर इसे अगली एंट्री में डेबिट कर देंगे, और डिवेंचर अकाउंट में जो फेस वैल्यू का पोर्शन है पूरे 100 मत डाल देना, कहीं तुम रट लो कि पूरी फेस वैल्यू जाएगी, नहीं भाई। अब आपका किस पे है, अब आपका इंस्टॉलमेंट पे है, तो कितनी फेस वैल्यू आपकी एप्लीकेशन पे रिसीव हो रही है, तो इट्स 20 रुपीज, 4000 इंटू में 20 हो जाएगा। सेम गोज हेयर अलॉटमेंट में, पहले देखो, पहले ड्यू की एंट्री हुई है, हम मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, यहाँ पे 80 रुपीज मंगवाएंगे हम लोग, 4000 इंटू में 80 रुपीज मंगवाए, 3,20,000, 3,20,000। अब आइए जरा, अब हम लोग अगला करते हैं, दैट इज प्रीमियम वाला केस। प्रीमियम का केस मुझे एज सच लगता है कराने की जरूरत है भी नहीं। 5000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर्स है, 100 ईच है, इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, फेस वैल्यू इज 100, इश्यू प्राइस इज 120, है ना, क्योंकि 20 रुपए प्रीमियम है। कह रहा है एप्लीकेशन इसमें से 50 रुपए की है, भैया 50 रुपए की है इसमें हमारी एप्लीकेशन, और बैलेंस अलॉटमेंट पे है। अलॉटमेंट कितना होगा, अगर 120 रुपीज टोटल मंगाने हैं, 50 रुपए एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया 70 रुपीज अलॉटमेंट होगा। और हम अगर कुछ नहीं दे रखा कि प्रीमियम किसके साथ मंगवाई गई है, तो हम अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के साथ मंगवाई गई है, तो इस 70 रुपीज में 20 रुपीज तो प्रीमियम के हैं, और जो बचे हुए 50 रुपए होंगे वो फेस वैल्यू वाला पोर्शन होगा, यानी कि आउट ऑफ 100 में से होगा वो। अब जरा देखो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू में जो एप्लीकेशन है 50 रुपए की वो कर दिया, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, ये तो इजी है। अब देखो जरा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू में पूरे पैसे कितने मंगवा रहे हैं, 70 रुपीज, 70 रुपीज, फिर डिवेंचर अकाउंट में कितना चला जाएगा, 5000 इनटू में 50 रुपए डिवेंचर अकाउंट में चले गए, और 5000 इनटू में 20 कर दें, तो ये चले जाएंगे एसपीआर के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर, और फिर हमारी डिवेंचर अलॉटमेंट हम क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पैसा मंगवा लेंगे। आई नो मैं जल्दी चल रहा हूं क्योंकि टॉपिक है ही जल्दी के लायक, इससे धीरे कराने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये चांसेस वैसे बहुत ना के बराबर है, बट स्टिल भाई किस्मत फूटी, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो भाई रोने तो नहीं बैठेंगे, हमें करना होगा इसे, तो आओ जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की जो चीजें हैं। बेटा जब भी इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में आता है तो इरिटेशन होती है, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से डीकोड कर दो। सबसे पहले नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3000, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए बेटा 3000, 12% डिवेंचर, ये डिवेंचर का नाम हो गया, ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर, 50 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, यानी कि इशू प्राइस इज 100+50, यानी कि 150, फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी कि लमसम का केस है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 4000 डिवेंचर्स, ओके। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स ये है इशूड, पर लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया, अप्लाइड कितने हो गए हैं 4000, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर्स हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा 1000 आए हैं, हमने तो भैया सिर्फ 3000 इशू किए थे, लोगों ने 4000 के लिए अप्लाई कर दिया, अब जो एक्स्ट्रा 1000 है वो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, अब पैसा वापस कर दिया, है ना, तो अब डिवेंचर अलॉट करने की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, जब बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे, उसमें तो बेटा 4000 के लिए एप्लीकेशन आई है ना, टोटल एप्लीकेशन तो 4000 आई है, तो आप पूरे 4000 से मल्टीप्लाई करोगे, 4000 इंटू में कितने रुपए की है बेटा, इशू प्राइस 150 रुपए, पूरा इशू प्राइस कर दो, ठीक है ना, जितना पैसा आया पूरे 150 रुपए आए, 4000 डिवेंचर्स पे आए, तो 6 लाख हो गया। अब इन 6 लाख रुपीज के साथ क्या क्या हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले जितने डिवेंचर्स आपने एक्चुअली इशू किए, लोगों को अलॉट कितने किए हैं, 3000 ही डिवेंचर अलॉट किए हैं, 1000 तो हमने वापस भेज दिया था पढ़ मार के, हमने 3000 डिवेंचर्स जितने एक्चुअली अलॉट किए हैं इनटू में, उनका फेस वैल्यू कितना है, टोटल फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, 100, यानी कि 3 लाख रुपए डिवेंचर में चले जाएंगे। एसपीआर में कितने चले जाएंगे, जितने डिवेंचर एक्चुअली अलॉट किए हैं उन पे जितना प्रीमियम है, यानी कि 50 रुपए वो हमारे एसपीआर में चले जाएंगे। और टू बैंक में कितने चले जाएंगे, जिनको भगा दिया है हमने, यानी कि 4000 में से 3000 तो हमने अलॉट कर दिए हैं,
जो 1,000 बच गए थे उनसे हमने पूरे 150 रुपए लिए हैं ना, तो पूरे 150 रुपए ही वापस करना है, इसमें फेस वैल्यू या एसपीआर में भेद नहीं करना है, डिफरेंस नहीं करना है। आप करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं। अब बेटा ये हमारा टॉपिक हो गया, अब अगला जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई एम वेरी श्योर कि पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। इस पे मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, जल्दी जल्दी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कि पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें जब हम डिबेंचर इश्यू कर रहे थे तो बदले में जो हमको मिल रहा था वो मिल रहा था कैश, पर अब जो हमें बदले में मिल रहा है वो कैश नहीं मिल रहा, कैश के अलावा कोई बेनिफिट मिल रहा है। जैसे इसमें दो सब केसेस हैं कि आप इश्यू कर रहे हो डिबेंचर्स को किसी अंडरराइटर को या प्रमोटर को, दूसरा है आप इश्यू कर रहे हो डिबेंचर्स को किसी वेंडर को, वेंडर यानी कि जो बेचने वाला है, या तो उसके बिजनेस को परचेस करने के लिए या उसकी कोई एसेट परचेस करने के लिए। यानी कि मान लेते हैं किसी दूसरे बंदे का मैं बिजनेस खरीद रहा हूं तो उसके बिजनेस को खरीदने के बदले मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए उसे। ऑन द अदर हैंड मैंने किसी से कोई एसेट खरीद ली, महंगी एसेट खरीद ली, उसके बदले मैं पैसे ना देकर मैं अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा इस वाले केस के अंदर। मैं इससे पहले आप लोगों को पहले ये वाला केस कराना प्रेफर करूंगा, इसके आ जाओ नीचे से। सबसे पहले परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, अगर हमने किसी का रनिंग बिजनेस चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया है, मतलब फुल फ्लेज बिजनेस खरीद लिया, तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। बिजनेस खरीदने का मतलब होता है कि उसकी एसेट्स भी खरीद ली एज वेल एज उसकी लाइबिलिटीज भी खरीद ली, पूरा का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया। अब उसकी एंट्रीज कैसे होंगी आइए जरा देखते हैं। केस ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझना है। केस वन क्या है, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स। अब ये क्या बात कह रहे हैं भाई, ध्यान से सुनो। जो बिजनेस हमने खरीदा है बेटा, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट्स में जान लगी है, ऐसे नोट्स बनाए हैं कि जब रिवाइज कर लोगे तब हो जाएगा तुमसे, ठीक है। मान लेते हैं जो बिजनेस हमने खरीदा है उसके पास एसेट्स थी 1,00,000 रुपए की और जो उसकी लाइबिलिटीज थी वो थी 40,000 रुपए की। हम बिजनेस खरीद रहे हैं, उस बंदे की एसेट थी 1,00,000 की, लाइबिलिटीज थी 40,000 की। एक बात बताओ, हम लोगों को जो एक्चुअली फायदा हुआ है नेट एसेट्स कितनी मिली है उसकी, 40,000 रुपए तो हमको देने पड़ेंगे उसकी जो लाइबिलिटीज को, हमें जो एक्चुअली फायदा हुआ है 1,00,000 - 40,000 यानी कि 60,000 का। ये होते हैं नेट एसेट्स, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। हमें 60,000 का फायदा हुआ है, उस 60,000 रुपए के बिजनेस को खरीदने के लिए हमने जो पैसा पे किया है यानी कि हम जितनी वैल्यू देने को तैयार है, हम 60,000 देने को तैयार है, इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी कि बिजनेस परचेज करने के बदले हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो होता है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन और नेट असेट्स यहां पे क्या है, इक्वल है। तो अब देखो इसकी एंट्री क्या होंगी, दो एंट्री होंगी हर केस में। एंट्री वन क्या होगी, जब मैं उस बंदे के बिजनेस के असेट्स खरीद रहा हूं तो असेट्स आ रही है तो सेंडरी असेट्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज, ये देखो 1,00,000 रुपीज। लाइबिलिटीज आ रही है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है तो टू सेंडरी लाइबिलिटीज 40,000 रुपीज, 40,000। और जितनी परचेज कंसिडरेशन है यानी कि परचेज करने के बदले जितने पैसे आप पे कर रहे हो वो हो जाता है टू वेंडर अकाउंट। जिस बंदे से आप खरीद रहे हो उस बंदे का नाम लिखना, अगर नाम नहीं दे रखा तो उस वेंडर का अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, इन दोनों को इग्नोर कर दो, ये जो वेंडर है इसको पेमेंट करने के लिए, अभी तो हमने सिर्फ वेंडर को पैसा ड्यू करा है कि हाँ भाई तेरे को देंगे पैसे, अब सेकंड एंट्री में आप वेंडर को एक्चुअली देना चालू करोगे यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसे आप पे करेंगे। अब हम उसे पेमेंट किस में कर रहे हैं, डिबेंचर्स में कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर वही है। अगर हमने उसको डिबेंचर इश्यू किया अपनी कंपनी के और पार पे इश्यू किए तो सिंपल है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो इश्यू कर देंगे क्योंकि पार पे है, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, सिंपल। फिर अगर हम इसे डिबेंचर इश्यू करते हैं प्रीमियम पे तो वही वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर भी हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि डिस्काउंट पे अगर इश्यू किया है तो भैया वेंडर अकाउंट डेबिट तो हो गई, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट भी हो जाएगा फेस वैल्यू से, और डिस्काउंट क्या है, एक लॉस है ना, इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। ये तीनों एंट्रीज एक साथ नहीं लिखनी है, तीनों में से एनी वन एक केस होगा बेटा वो एंट्री आपको करनी है। ये एंट्री हमेशा होनी है एंट्री वन, ये तो कंफर्म है। और एंट्री टू में तीन पॉसिबल केसेस हैं, तीन में से कोई भी हो सकता है। जल्दी से एक बार पॉज करके इसे याद कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो। आगे बढ़ रहा हूं। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस है जब आपने परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट्स, यानी कि जिसका आपने बिजनेस खरीदा है उसके बिजनेस की जो नेट असेट्स थी, वैल्यू जो थी,
उससे ज्यादा पैसे आप देने को तैयार हो गए इसको। यानी कि असेट्स थी उसकी कितने की, 1 लाख रुपीज की, लाइबिलिटीज थी 40,000 की। हमने कहा भाई तेरे जो नेट असेट्स है वो तो 60,000 रुपीज है सिर्फ, और हम उसके बदले पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन हम 90,000 देने को तैयार हो गए। कुछ अच्छा लगा हमें उसके बिजनेस में। 60,000 की चीज के लिए आप 90,000 दे रहे हो, ये जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो किस चीज के दे रहे होगे? ऑब्वियसली गुडविल के, बिल्कुल। अब इसे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे विदाउट एनी दिक्कत? ध्यान से देखो, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी क्योंकि लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस 40,000, और जितनी परचेज कंसिडरेशन होती है 90,000 की वो वेंडर अकाउंट के नाम से आ जाएगी, वेंडर। फिर आप देखोगे कि डिफरेंस आएगा, एसेट और वो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल नहीं आएंगे, वो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो पक्का आपकी गुडविल से आ जाएगी। देखो ये जो है 1,30,000 है, ये सिर्फ 1 लाख था, तो 30,000 जो डेबिट छोटा है वो किस नाम से छोटा है? गुडविल के नाम से। तो अगर डेबिट साइड छोटी है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और एंट्री टू क्या होगी इस केस में? वही वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अगर पार है, टू डिबेंचर टू एसपीआर अगर प्रीमियम है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अगर डिस्काउंट है। यानी कि सेम एज अबव, जो यहां पे तीन केसेस है सेम टू सेम रिपीट होंगे यहां पर भी, बात खत्म। एंड तीसरा एंड लास्ट केस इसमें क्या होगा बेटा, अगर परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट असेट्स, यानी कि उसकी असेट्स जितने की है बेटा, उससे जितने उसका बिजनेस की जो वैल्यू है हम उससे कम पैसे उसको अगर दे रहे हैं, यानी कि असेट्स हैं 1 लाख की, लाइबिलिटीज हैं 30,000 की, तो नेट असेट्स कितनी हुई 70,000 की, हम इस 70,000 की असेट्स के बदले में सिर्फ दे रहे हैं 60,000 रुपीज। तो बेटा ये जो 10,000 रुपीज का हमें क्या होगा, एक तरीके से प्रॉफिट होगा कि 70,000 की चीज सिर्फ 60,000 में खरीद ले रहे हैं, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ये 10,000 का प्रॉफिट हमारा बेटा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे कैपिटल रिजर्व के अंदर डालते हैं। अब देखो जर्नल एंट्री में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, असेट्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, परचेज कंसिडरेशन जितनी है वो वेंडर हो जाएगा, और आप देखोगे कि जो डेबिट है वो बड़ा है, क्रेडिट छोटा है। डेबिट 1 लाख है, क्रेडिट सिर्फ 90,000 है, तो क्रेडिट कितना छोटा है 10,000, तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। यानी कि अगर डेबिट साइड छोटी दिख रही है आपको तो वो गुडविल होगा, क्रेडिट साइड छोटी दिख रही है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। और जो दूसरी एंट्री होगी बेटा वो सेम टू सेम पहले वाले केस से रिलेटेड होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो ये पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से इसको लिख लो, बल्कि मैं कहूंगा नोट्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा बट इसको आप अभी लिख लो। इसके अंदर क्या है बेटा, हाउ एंड व्हेन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इस तरह के क्वेश्चंस में, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, आपको कभी कभी क्या निकालने की जरूरत होती है बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत होती है। तो क्यों होती है, किन केसेस में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत है, आइए जरा देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखना बेटा, अगर आपने डिबेंचर जो इश्यू किए हैं वो या तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं या प्रीमियम पे इशू किए हैं वेंडर को, यानी कि अगर आप पार पे इशू कर रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर रहे हो डिबेंचर्स वेंडर को, तो आपको उस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा अमाउंट टू बी इशूड एज डिबेंचर, जितने रुपए के डिबेंचर आपको इशू करने हैं, अपॉन में इशू प्राइस पर डिबेंचर, एक डिबेंचर का इशू प्राइस कितना है वो हो जाएगा। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल जाते हैं। ये फॉर्मूला अभी फटाफट लिख लो वीडियो पॉज करके, मैं आगे निकल रहा हूं और आपको क्वेश्चन करा रहा हूं सीधे, ध्यान से देखना कैसे करना है उसे। मैं आपको को आओ जरा यही कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने 7 लाख के एसेट्स और 60,000 की लाइबिलिटीज ले ली वाई लिमिटेड की। देखो एसेट्स कितनी है बेटा, 7 लाख की, साइड में लिख लो पहले इंफॉर्मेशन, लाइबिलिटी कितनी है 60,000 की। नेट असेट्स कितनी आ जाएंगी बेटा, नेट असेट्स हमारी आ जाएंगी 6,40,000 रुपीज की, ठीक है ना, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। और परचेज कंसिडरेशन कितनी है बेटा, 6,60,000 है, ठीक है जी। एक्स लिमिटेड ने पे करी है परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। ये जो अमाउंट हमने पे किया है 6,60,000 का, ये डिबेंचर इशू करके हमने पे किया है, और डिबेंचर किस टर्म्स पे इशू किया है, 10% प्रीमियम पे। जर्नल एंट्री क्या है, ध्यान से देखो, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल है, जितने की एसेट्स लिए हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, जितनी लाइबिलिटीज हैं
टू सन्ड्री लाइबिलिटीज ये हो जाएगी हमारी 60,000 की। जितनी परचेज कंसिडरेशन है, टू वेंडर का नाम, अगर वेंडर का नाम दे रखा है तो नाम लिखो, नहीं तो वेंडर लिख दो। वाई लिमिटेड बेटा वेंडर है जो बेच रहा है आपका, देखो वाई लिमिटेड कितने में, सॉरी 6,60,000 वेंडर लिमिटेड। अब जरा देखो कौन सी साइड छोटी है, साफ दिख रहा है कि बेटा क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। डेबिट साइड जो छोटी है वो क्या डिफरेंस आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज गुडविल अकाउंट डेबिट कि हमने इसको गुडविल पे करी है 20,000 रुपए की। अब दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, दूसरी एंट्री लिखो। अब ये जो वाई लिमिटेड है ये डेबिट हो जाएगा, वाई लिमिटेड 6,60,000 से डेबिट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो है ना, और आप प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं। देखो अभी भी निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, अमाउंट टू बी इश्यूड एज डिबेंचर, कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू करने हैं बेटा, पूरे 6,60,000 के, 6,60,000 के डिबेंचर इश्यू करने हैं अपॉन में। इश्यू प्राइस पर डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है 100, 10% प्रीमियम पे, इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा 110, 11 कम 11 11, 6,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। यानी कि ये 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत क्या है, ध्यान से देखो। अब बेटा प्रीमियम है तो आपका एसपीआर भी आएगा और डिबेंचर अकाउंट भी आएगा, तो 2.9% डिबेंचर अकाउंट, 2.9% डिबेंचर अकाउंट में कितने जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड इनटू में फेस वैल्यू जाएगी हमेशा डिबेंचर अकाउंट में, चली गई 60,000, 6 लाख टू एसपीआर, 6,000 इंटू में 10 रुपीज, यानी कि 60,000। लो जी ये दो जर्नल एंट्री होंगी, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सी अलग चीज है, क्या कह रहा है ध्यान से देखो। ग्रीन लिमिटेड ने परचेज करा है प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख रुपीज। अब देखो सिर्फ एसेट परचेज करी है, रनिंग बिजनेस परचेज नहीं किया है। एसेट परचेज करने में और रनिंग बिजनेस परचेज करने में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल है। जब एसेट परचेज करते हो तो सिर्फ एसेट हमारे पास आती है, जब आप रनिंग बिजनेस परचेज करते हो बेटा तो असेट के साथ लाइबिलिटीज भी आती है, ठीक है ना, बस इतना डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। कितने की असेट है बेटा, 2 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए की असेट है। पेबल एज हमने इसके 65,000 पे कर दिए हैं 3 मंथ का पोस्ट डेटेड चेक देख के। अब ध्यान से देखो मैं आपको सिंपल एक चीज बता रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की खरीदी है, इसकी पहली एंट्री बड़ी सिंपल होगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू किससे परचेज कर रहे हैं, ग्रीन लिमिटेड ने किससे परचेज किया है, नाम नहीं दे रखा। ग्रीन लिमिटेड ने परचेज किया है बट किससे परचेज किया है, नाम नहीं है, यानी कि वेंडर का नाम नहीं है, तो हम सीधे टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर लिखेंगे। कितने रुपए की मशीन है बेटा, 2 लाख रुपीज की है। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे वो कैपिटल रिजर्व गुडविल वो सब कहां गया, कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि बिजनेस परचेज नहीं किया है। वो जो मैंने आपको बताया था ना इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, वो वाला केस था, ये असेट परचेज करने का केस है, ये ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। टू वेंडर हो गया, दूसरी एंट्री क्या होगी, अब वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने, 2 लाख रुपए दे रहे हैं हम इसको, 2 लाख रुपए में से। अब देखो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 65,000 हम 3 मंथ्स का पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, चेक मतलब बैंक से पैसे दे रहे हैं ना, तो यानी कि टू बैंक 65,000 चेक दे रहे हैं इतने का, और बचे हुए पैसे हम कैसे दे रहे हैं, बैलेंस हम दे रहे हैं डिबेंचर इश्यू करके, 100 रुपीज वाला डिबेंचर डिस्काउंट है 10% का, 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। जब भी मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट या प्रीमियम पे हो बेटा तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना जरूरी है, तो अभी भी निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो अमाउंट टू बी इश्यूड एज डिबेंचर, अमाउंट टू बी इश्यूड एज डिबेंचर कितना है, 2 लाख है क्या, नहीं, बच्चे रट लेते हैं कि वेंडर अकाउंट जितना है, यानी कि जितनी परचेज कंसिडरेशन है वही आपको न्यूमरेटर रखना है, नहीं भाई, 2 लाख रुपए पे करने थे जिसमें से 65,000 को तो आपने चेक पे कर दिया, तो बचा कितना, 1,35,000 जो है बेटा उतने के डिबेंचर इशू करेंगे, और अपॉन में इशू प्राइस पर डिबेंचर 100 रुपए का एक डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट यानी कि 90 रुपीज, ये हो गए 1,500 डिबेंचर, 1,500 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ये निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया बेटा, उखाड़ तो हमने बहुत कुछ लिया है,
ध्यान से देखो, थोड़ी सी लाइन छोड़ी, अब जरा देखो, जितने का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितने से होगा, 1500 डिवेंचर है, एक डिवेंचर पर 10 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि 15,000। और टू 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 हो जाएगा, कितने परसेंट डिवेंचर था भाई ये, 6% डिवेंचर में, 6% डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। 1500 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, एक की फेस वैल्यू है 100, ये हो जाएगा 1,50,000। चेक करें, 2,15,000, और ये भी कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 65,000, 2,15,000, आंसर सही आ गया। बस यही चीज है। अब एक तीसरी एंट्री भी होती है, जब भी आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हो बेटा, तो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है। जब भी आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करोगे बेटा, तो इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री करनी होती है, चाहे आपसे कहा जाए या ना कहा जाए। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि इसके इफेक्ट को खत्म करना है। ये यहां पे डेबिट हुआ है तो इस एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हो जाएगा। चलो ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर हमने कर दिया 15,000 रुपए, बट डेबिट क्या चीज होगी। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, एसपीआर दे रखा है, तो आप पहले एसपीआर को डेबिट कर दो, यानी कि हमने एसपीआर अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने से, देखो कंपनी हैज बैलेंस ऑफ 10,000 इन एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 का बैलेंस है, तो अगर है बैलेंस तो आप उतना से एसपीआर को डेबिट कर दो। पर अभी तो हमारा पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये 15,000 है, ये सिर्फ 10,000 है। अब बचे हुए 5,000 जो हैं वो क्या चीज डेबिट होगी, जो रिमेनिंग है वो बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा 5,000। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आई थिंक अभी सही टाइम नहीं है बताने का, वरना एक डिटेल्ड है, मैं आपको लॉजिक बताने बहुत चाहता हूं, बट अभी टाइम सही नहीं है, ना आप जानना चाहोगे ना मैं बताना चाहता हूं। अगर आपको एसपीआर दे ही नहीं रखा होता, क्वेश्चन में एसपीआर ही नहीं दे रखा होता, 10,000 का नहीं दे रखा होता, तो पूरे के पूरे 15,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट होते हैं, बात खत्म। इसी से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नॉट एक्चुअली कॉन्सेप्ट, ये देखो, ये चीज आप चाहो तो लिख लो, ये एक बार लिख लो, ये पांच चीजें बेटा, ये पांच चीजें ध्यान से लिख लो, जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये पांच चीजें जब डेबिट होती हैं तो हमें एक राइट ऑफ की एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होती है ईयर एंड पे। और वो एंट्री क्या होगी, वो नीचे दे रखी है, और ये नाम क्या दे रखे हैं, अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताया है, बाकी चीजें अभी हमें आगे पढ़ने वाले हैं, थम जाओ आराम से, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कराया है, बाकी चीजें अभी आगे हम लोग करने वाले हैं। जब भी ये चीजें डेबिट होंगी तो आपको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, और एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आप अगर आपके पास एसपीआर दे रखा है तो आप एसपीआर अकाउंट डेबिट करो। अगर एसपीआर पूरा पड़ता है, यानी कि जितना, जैसे ये पांच चीजें जितनी भी दे रखी हैं, अगर एसपीआर कंप्लीट है उतना, तो फिर बेटा और कुछ जरूरत नहीं है। बट अगर एसपीआर पूरा नहीं पड़ता, दूसरी प्रेफरेंस आप दोगे अगर कैपिटल रिजर्व है उसको, कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, एसपीआर भी नहीं है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को प्रेफरेंस दोगे। इस पे क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ इसको लिख लो बहुत अच्छे से, यहां मैंने टू सिर्फ डिस्काउंट लिखा है या लॉस लिखा है, आप इसे पांचों के पांचों नाम लिख सकते हो, टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप सारे लिख लो, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब आइए, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, इससे ज्यादा मेरे को कराने का शौक नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आइए बेटा, हम लोग करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज फ्रॉम दी या कंसिडरिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन एक टॉपिक का नाम था, उन पांच टॉपिक्स में से अब वो करा रहा हूं आपको। आओ जरा देखते हैं कितने केसेस हैं, टोटल हमें करने हैं बेटा 6 केसेस, बहुत इजी केसेस हैं, एक बार करोगे तो जिंदगी के मजे आ जाएंगे, देखना करके देखते हैं। यहां पे बनेंगे बेटा हमारे टोटल 6 केसेस। अब ध्यान से सुनो, एक रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, जब कंपनी पैसे लेती है लोगों से, आम जनता से, तो वो करती है डिबेंचर इश्यू, यानी कि डिबेंचर देती है, लोगों से पैसे लेती है। बट जब कंपनी लोगों को पैसे वापस करती है, क्योंकि बेटा डिबेंचर से लिया हुआ पैसा एक लोन होता है, उधार होता है, वापस तो करना है, तो जिस दिन वो पैसे वापस करती है तो लोगों से वापस ले लेती है अपने डिबेंचर,
उसे कहते हैं कि डिबेंचर रिडीम हो गए। तो डिबेंचर जब इश्यू होते हैं तो कंपनी के पास पैसे आते हैं, और जब डिबेंचर रिडीम होते हैं तो कंपनी के पास से पैसे वापस जाते हैं। इसमें टोटल 6 केसेस होंगे। पहला केस क्या है, ध्यान से देखना। व्हेन डिबेंचर इज इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार ऑल्सो। इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा भाई। सारे के सारे केसेस करोगे, आओ जरा देखते हैं। ये हाँ, इश्यूड एट पार का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपए थी एक डिबेंचर की, है ना। तो इश्यू कितने का हुआ, 100 रुपए का ही हुआ। हम कहते हैं कि भैया पार पे इश्यू हुआ है। रिडीम्ड एट पार का मतलब क्या होता है कि बेटा 100 रुपए का डिबेंचर था, जब आप पैसे वापस कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, जब पैसे वापस करोगे लोगों को तो 100 रुपए ही कर रहे हो। तो हम कहते हैं कि भैया ये भी क्या है, रिडीम्ड एट पार है। ये होता है इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। नो प्रॉफिट नो लॉस इस सिचुएशन में एकदम वनीला केस है, प्योर केस है। जर्नल एंट्री क्या होगी, ये दो जर्नल एंट्रीज करनी है हर केस में। सबसे पहले होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो हमने लमसम वाली करी थी। और बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होता है, इश्यू प्राइस से होता है, विच इज 100। तो 100 100। फिर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, 2% डिबेंचर, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू आएगी 100 रुपए की। बात खत्म। सर रिडीम्ड एट पार का क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक रिडीम्ड एट पार है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई नई टॉपिक पढ़ रहे हो, बट जब रिडीम डेट प्रीमियम आ जाएगा तब बेटा केस बनना चालू होगा। दूसरी एंट्री देखो, दूसरा केस देखो। दूसरे केस में भी रिडीम डेट पार है बट इश्यू डेट प्रीमियम है। केस क्या है कि फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए एक डिबेंचर की, और इश्यू प्राइस कितना है बेटा, 120 रुपए है। तो हम कहते हैं भैया 20 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि अपने इश्यू डेट प्रीमियम किया है। रिडीम डेट पार मतलब फेस वैल्यू 100 थी, रिडीम प्राइस भी 100 है, तो रिडीम डेट पार हो गया। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा बेटा, 120 रुपए से, इश्यू प्राइस से, 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 रुपए। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी 100 रुपए, और 20 रुपए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम के हैं वो एसपीआर में चले जाएंगे। बात खत्म। तीसरा केस क्या है, डिबेंचर इश्यू हुए हैं डिस्काउंट पे। हाँ हाँ सर पता है, रिडीम पार पे हुए हैं। सर कब तक पार पे इश्यू करोगे, लास्ट केस है, रिडीम करोगे। अब इसके बाद रिडीम डेट प्रीमियम होगा। फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। इश्यू डेट डिस्काउंट है, तो इश्यू प्राइस कितना है, मान लेते हैं 90 रुपीज, 10 रुपए का क्या है डिस्काउंट। रिडीम प्राइस 100 ही है क्योंकि रिडीम डेट पार है। अब बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 90 रुपीज से। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो सर इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर दो 10 रुपीज से, कर दिया हमने। और टू डिबेंचर अकाउंट में कितने चले जाएंगे, सर हमेशा फेस वैल्यू डालना। भाई तुम्हारी बात कभी टाली है क्या, मैंने कभी नहीं टाली, 100 रुपीज फेस वैल्यू चली गई यहां पे। देन इसके बाद लास्ट केस, सेकंड लास्ट केस है, आओ जरा देखते हैं। थर्ड लास्ट केस, आई एम सॉरी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं यार मैं। आओ जरा, अब हम करने वाले हैं कि डिबेंचर इश्यू हुए हैं पार पे, अब रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है बेटा। रिडीम डेट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। फेस वैल्यू थी 100 रुपए, है ना, इश्यू प्राइस भी है 100 रुपए, ये बात बताता है कि इश्यू हुए पार पे। और रिडीम डेट प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू है 100 रुपए और रिडीम प्राइस है 120 रुपए, 20 रुपए आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पोरोड की फुल फॉर्म क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब से मैं बोलूंगा पोरोड, पोरोड, पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पेपर में पूरा लिखना, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, ध्यान से देखना। एक बात बताओ भाई, आप 100 रुपए की चीज के जब फ्यूचर में पैसे वापस कर रहे हो तो 120 रुपए वापस कर रहे हो, 20 रुपए आप एक्स्ट्रा जो दे रहे हो, आपका ये लॉस नहीं है? बिल्कुल है, जो आपको पता है कि आपको होने ही वाला है लॉस फ्यूचर में। तो बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो तो आपको पता होगा ना कि अगर आपको पता है कि फ्यूचर में एक लॉस है जो कि होने ही वाला है, इट्स कंफर्म टू यू, तो आप उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेते हो। तो हम लोग इश्यू के टाइम पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे प्रीमियम, रिडेम्पशन के टाइम पे दिए जाने वाला प्रीमियम। एंट्री कैसे होगी, देखो सिंपल प्लेन एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए इश्यू प्राइस से, 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100। फिर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100। अब ध्यान से सुनो, ये जो 20 रुपए का लॉस है इसे हम क्या लिखते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपए। आप लॉस ऑन इश्यू को डिस्काउंट के लिए भी यूज कर सकते हो, इसके प्रोड के लिए भी यूज कर सकते हो, बट डिस्काउंट इसलिए मैंने अलग रखा हुआ है ताकि दोनों में डिफरेंस आए,
कई बुक्स के अंदर बेटा दोनों, चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम और रिडेम्पशन हो, दोनों लॉस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, वो आप एक बार देख सकते हो, मैं अलग अलग करवाता हूं। फिर उसके बाद 2% डिबेंचर में सर हमेशा फेस वैल्यू डाल दो, डाल दी। एक चीज बस याद रखनी है, जितना पैसा है बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में जाता है, जो प्रीमियम का, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का, वो एक नए अकाउंट में क्रेडिट होगा इन दिस सेम एंट्री विच इज नोन एज बोरोड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 20 रुपए। तो यहां पे डेबिट हुआ है तो यहां पे क्रेडिट भी होगा, ये बात आपको याद रखनी है बस। जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम होगा आपको और कोई चीज याद ही नहीं रखनी, बाकी सारी चीजें जैसे आपने करी है वैसे होंगी। केस टू करते हैं, केस टू करते हैं, केस फाइव सॉरी। व्हेन डिबेंचर अब इश्यू हो रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहे हैं बेटा प्रीमियम पे, दो नुकसान। एक तो जब इश्यू किया यानी कि डिबेंचर सेल करा तो डिस्काउंट पे सेल किया, एक नुकसान यहां पे हो गया लॉस। दूसरा हो रहा है कि जब रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, जब पैसे वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे वापस करेंगे, भाई ये भी एक नुकसान है। तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा? अरे यार नहीं, हाँ फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपए, इश्यू प्राइस कितनी है 90 रुपीज, इश्यू डेट डिस्काउंट, और रिडीम हुई है प्रीमियम पे यानी कि रिडेम्पशन प्राइस हो जाएगी प्रीमियम पे। अब आ जाओ जरा, 10 रुपए का डिस्काउंट एज्यूम कर लिया, 20 रुपए का प्रीमियम एज्यूम कर लिया। अब जर्नलाइज कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बेटा हमेशा आज तक इश्यू प्राइस के अलावा कुछ लिखा है सर ने? नहीं। 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज, 1% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90 रुपीज। 10 रुपए का जो ये डिस्काउंट है, ध्यान से देखो डिस्काउंट को कैसे लिखते थे बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, ठीक है सर। ये जो 20 रुपए दे रखा है जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है, इसको भी डेबिट करेंगे बेटा क्योंकि ये भी एक लॉस है, इसे नाम देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपए। बाप रे बाप सर डर लग रहा है, एक बार रोक के देख लो ध्यान से ध्यान से। फिर 2% डिबेंचर में कितने जाएंगे सर? इसमें हमेशा जाती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और लास्ट सर ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर डेबिट हुआ है, इसे क्रेडिट भी सेम एंट्री में करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पुरोड में 20 रुपीज। आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर है, जब भी आपको चेक करना हो कि सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो डेबिट और क्रेडिट को देख लेना, अगर बराबर आ रहे हैं दैट मींस यू आर गोइंग वेल। लास्ट केस, लास्ट केस क्या है हमारा? अब डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं प्रीमियम पे और रिडीम भी हुए हैं प्रीमियम पे, यानी कि जब इश्यू प्रीमियम पे हुए हैं यानी कि प्रॉफिट में इश्यू किए हैं, एक प्रॉफिट और रिडीम एट प्रीमियम का मतलब है एक लॉस। तो देखो डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है। तो 100 रुपए का डिबेंचर था, हमने 120 में इश्यू कर दिया, यानी कि 20 रुपए किसके हो जाएंगे बेटा? एसपीआर के हो जाएंगे। और आपने यहां पे 30 रुपए क्या करा है? 30 रुपए आपने प्रीमियम पे रिडीम किया है तो 4 करोड़ हो जाएगा। जनरलाइज कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, इश्यू प्राइस 120, 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120। फिर देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो है नहीं तो वो डेबिट नहीं होगा, बट जो 30 रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है इसको तो लिखना जरूरी ना भाई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 30 रुपए। फिर फेस वैल्यू जितनी है सर वो चली जाएगी डिबेंचर अकाउंट में, चली गई। सर जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ है ये पोरोड में जाएगा ही जाएगा सर, अरे मना कर रहा हूं भाई, 30 रुपए जाएगा। और लास्ट ये जो 20 रुपए का एसपीआर है, टू एसपीआर करना मत भूलना, ये तो करते ही थे ना, बात खत्म। जितने भी थे बेटा केसेस, इसके बियॉन्ड है ही नहीं और पेपर में आने की हाई प्रोबेबिलिटी आ सकता है। भैया 6 के 6 केसेस करके जाना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करके दिखाता हूं रियल लाइफ में कैसे आएंगे। क्या याद मुझे भी करती होगी फो, आ जाओ मिट क्यों नहीं रहा भाई, तो मिट ही नहीं रहा, चल कोई नहीं, आओ जरा एक क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखो ये वाला देखना, सेकंड नहीं थर्ड देखो। तुम्हें पहले डिटरमाइन करना है कि कौन सा केस है, केस 1 to 6 में से कौन सा केस है, जैसे ही पता चल जाएगा बात बन जाएगी, और जैसे मैंने प्रेजेंटेशन कर रखी थी वैसे ही करना। देखो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, मून लिमिटेड इश्यूज ₹50 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ओए होए भाई ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड नहीं दे रखे हैं, जैसे यहां पे दे रखा है 30,000, यहां पे दे रख और बस यहीं पे दे रखा है 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, यहां पे ₹50 लाख लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये दे रखी है टोटल फेस वैल्यू
ऑफ ऑल डिवेंचर इश्यूड, ऑल इश्यूड डिवेंचर्स, सारे डिवेंचर जितने इश्यू हुए हैं उनकी टोटल फेस वैल्यू कितनी है। तो अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इश्यू हुए हैं बेटा, कैसे निकालेंगे, सारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है 50 लाख, अपॉन में एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड 50,000, ये पता चल गया। फेस वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो 100 रुपए, इश्यूड एट पार है यानी कि इश्यू प्राइस भी कितनी है 100 रुपए, और रिडीमेबल एट एंड ऑफ 10 ईयर्स एट 105%, 105% पे रिडीम हो रहे हैं, यानी कि 5% रिडीमशन, 5% प्रीमियम है, तो रिडीम प्राइस कितना हो जाएगा देखो 105 रुपए हो जाएगा। 105% मतलब है कि 100 को, फेस वैल्यू की 100 को 105% से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 ही आएगा, 5 रुपए का परोड है ये। ऐसे करके आप लिख लेना, आपको देखना याद आ जाएगी, देजा वो लगेगा कि अरे सर के केसेस मैंने करे हुए हैं। अब जरा देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब नंबर ऑफ डिवेंचर से हर स्टेप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भैया कितने डिवेंचर है 50,000 इंटू में इश्यू प्राइस कितना है 100 रुपए यानी कि 50 लाख, टू कितने परसेंट डिवेंचर है 10% है डिवेंचर है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आ रहा है 50 लाख 50 लाख। फिर दूसरी क्या हो जाएगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50 लाख। फिर देखो ये जो 5 रुपए है, ये जो 5 रुपए का लॉस है इसे हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ कितने रुपए 5 रुपए है, कैसे निकालेंगे 50,000 डिवेंचर्स को 500 मल्टीप्लाई करो यानी कि 2.5 लाख। फिर टू 10% डिवेंचर अकाउंट, उसमें क्या जाएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कैसे आएगी 50,000 इंटू में फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, और टू परोड क्योंकि ये परोड में जाएगा 2.5 लाख रुपए। चेक करना आंसर सही है तुम्हारा, बात खत्म। इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस ये जो सामने लिखे हुए हैं ये क्वेश्चंस कर लेना, हो गया तुम्हारा बेटा पार, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमारी खत्म। अब मैं अगली चीज आपको करा रहा हूं, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट 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 ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। दोस्तों अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ध्यान से समझना। देखो अब आपने जो डिवेंचर से पैसा उठाया है वो पैसा क्या है, एक तरीके से लोन लिया है अपने लोगों से, उस लोन के बदले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा, भाई ये एग्रीमेंट में लिखा होता है, वो जो डिवेंचर डॉक्यूमेंट है ना उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि भाई किस टर्म पे आपने पैसा उठाया है, कितने इंटरेस्ट पे उठाया है, कितना पैसा कब वापस करोगे, कितने रिडेम्पशन प्राइस होगा, सब चीजें मेंशन होती हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है डिवेंचर में कहां मेंशन होगा, जैसे 9% डिवेंचर लिखा हुआ है बेटा अगर, तो यहाँ पे जो 9% है ये 9% पर एनम है, पर एनम है यानी कि पूरे साल का 9% डिवेंचर पे इंटरेस्ट देगी कंपनी, किसको, डिवेंचर होल्डर को। अब जरा ध्यान से देखो इसके बारे में कुछ थ्योरी चीज है वो मैं यहाँ पे जल्दी से रीड करवा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एंड इट कैन बी पेड एज क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली एज डिसाइडेड इन एग्रीमेंट। एक कमाल की चीज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं 9% डिबेंचर्स बोल रहा हूं तो 9% किसका, ध्यान से देखो, मान लेते डिबेंचर की जो फेस वैल्यू थी 100 रुपए थी बट जो इश्यू प्राइस है वो 140 रुपए या 140 रुपए था, तो भैया 9% किसका, 100 रुपए का 9% या 140 का 9%। तो याद रखना इश्यू प्राइस क्या है आई डोंट केयर, हमेशा फेस वैल्यू या जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं उसका 9% निकालना है। ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं तो उस नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई भी कर देना, जैसे 5,000 डिवेंचर है तो आप नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके फेस वैल्यू जब करोगे तो टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी, और टोटल फेस वैल्यू का 9% आप निकालोगे, दैट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप हो सकता है क्वार्टरली पे करो यानी कि साल में 4 बार पे करो, या हाफ ईयरली पे करो साल में 2 बार, या सिर्फ साल में 1 बार पे करो, सब इंटरेस्ट के, सब डिबेंचर के एग्रीमेंट में लिखा होता है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक प्रेफिक्स की तरह होता है टू द डिबेंचर लाइक 9% डिबेंचर एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो एक एक्सपेंस है किसके लिए, कंपनी के लिए जो उसे पे कर रही है, बट वो एक इनकम है उन लोगों के लिए डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो उसको रिसीव कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर के लिए तो इनकम हुई ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बिल्कुल सही है।
अब जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है बेटा, वो मे बी सब्जेक्ट टू टीडीएस हो सकता है। सब्जेक्ट टू टीडीएस का मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लिख लो जरा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जरा देखो इसका क्या मतलब है, क्या एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो। ये जो कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी ने मिस्टर ए नाम के बंदे को कितने रुपए का इंटरेस्ट दिया, 1000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया। 1000 रुपए सर कैसे कैलकुलेट करें, मान लेते हैं मिस्टर ए के पास 10000 रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स पड़े हुए थे, और डिवेंचर्स कितने थे, 10% डिवेंचर्स थे, यानी कि 10% इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना हो जाएगा बेटा, 10000 की फेस वैल्यू, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, यानी कि 1000 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपनी पे करेगी 1000 का इंटरेस्ट किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए के लिए ये बन जाएगी इनकम। अब मिस्टर ए ना बड़ी आदत का खराब बंदा था, ये क्या करता था, जैसे इसके पास कुछ पैसे आते थे ना, सारे पैसे खर्च कर देता था, सारे पैसे खर्च कर देता था। अब उसकी इनकम ना टैक्सेबल इनकम थी, यानी कि उसकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उसे टैक्स पे करना चाहिए उस इनकम पे, बट जैसे टैक्स देने की बारी आती थी वो कहता था मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए, मेरे तो पैसे ही खत्म हो गए। इससे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत परेशान था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आके कंपनी से रिक्वेस्ट करी कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हेल्प कर दो मेरी। वो क्या कि कंपनी से कहा कि जब भी आप इस डिबेंचर होल्डर को आप इंटरेस्ट पे करने जाते हो ना, तो पूरा इंटरेस्ट मत पे किया करो, इसमें से कुछ पोर्शन आप काट के अपने पास रख लिया करो, कुछ परसेंटेज काट के अपने पास रख लिया करो, और उस परसेंटेज जो आपने अपने पास रखी है वो जाके मेरे पास जमा करा दो, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दो। क्यों, क्योंकि ये बंदा बाद में हमें टैक्स नहीं देता। तो ये जो टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है इंटरेस्ट पे करते टाइम कंपनी द्वारा, इसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स जो सोर्स ऑफ इनकम पे डिडक्ट हो गया। अब जो 90%, जैसे मान लेते हैं टीडीएस अगर 10% है, कि कंपनी को बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि 10% अपने पास रख लो, तो वो हो गया टीडीएस, बचा हुआ 90% डिबेंचर होल्डर को दे दो। तो जब 1000 का डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे तो उसका 10% यानी कि 100 रुपए भाई कंपनी ने अपने पास रख के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया, और बचा हुआ जो 90% है 900 रुपए वो डिबेंचर होल्डर को दे दिया। कंपनी के लिए कोई विन विन सिचुएशन नहीं है, कंपनी के लिए तो पहले जैसी सिचुएशन है, ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। अब इस चीज को जर्नलाइज किस तरीके से करेंगे, आओ जरा देखते हैं एक बार। भाई टीडीएस का क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट्स अप टू कि भाई क्वेश्चन कैसा है, करके सारे चले जाओ, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बीजी लिमिटेड इशूड 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, 12% डिवेंचर्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑफ ₹100 ईच फेस वैल्यू पर डिवेंचर है, और कब इशू करें, 1 अप्रैल 2012 को। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ्स के गैप पे देना है। हाफ ईयरली मतलब अगर 1 अप्रैल से काउंट करूं तो पहला 30 सितंबर को देंगे और दूसरा 31 मार्च को देंगे। 30 सितंबर यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर इज 6 मंथ्स, फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च आर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स के गैप पे दो बार देंगे आप। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। अब जर्नल एंट्री पास करनी है हमें इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए। ध्यान से देखो नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कितना है, 2000, फेस वैल्यू 100, तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, 2000 × 100 करेंगे यानी कि 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है बेटा, 12% है, 12% हाफ ईयरली है, 30 सितंबर 31 मार्च। टीडीएस कितना है, 10% है। भाई सारा क्वेश्चन मैंने यहां पे उतार लिया, अब सीधे देखो मैं क्वेश्चन करने पे आ रहा हूं। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना कितना बनेगा, ध्यान से देखो, टोटल फेस वैल्यू 2 लाख इंटू में 12% इंटू में 6 महीने के लिए दे रहे हैं ना, 6 महीने के लिए, तो 6/12 करना पड़ेगा, पूरे साल का थोड़ी ना देंगे, सिर्फ 6 मंथ्स का देंगे क्योंकि हाफ ईयरली है। तो 30 सितंबर को कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देंगे भैया, 12000 रुपए। अब 12000 में 10% टीडीएस है, तो 12000 का 10% यानी कि 1200 रुपए टीडीएस हो जाएगा, बचा हुआ 90% डिवेंचर होल्डर को दे देंगे। सेम टू सेम हो जाएगा 31 मार्च वाला भी, वही 12000 होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा, दोनों डेट्स पे अलग अलग एंट्रीज होंगी। आओ जरा देखें कैसे। 30 सितंबर को क्या एंट्री होगी बेटा, ध्यान से देखो, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये एंट्रीज मैं चाहता था अलग से लिखवा सकता था, बट यहीं से लिख लो बेटा, आपको समझ आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट देना है भाई, पूरे 12000 ही देना है इसको, तो 12000 लिख दिया। इसमें से जो 10% है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, तो आप कहोगे एक लाइबिलिटी है ना, तो 2 TDS पेबल, 10% ऑफ 12000, 1200, 2 TDS पेबल। और जितना डिबेंचर होल्डर को देना है, बचा हुआ 90%,
12,000 का 90% यानी कि 10,800 टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर भी एक तरीके से क्रेडिटर की तरह बिहेव कर रहा है, लाइबिलिटी, क्योंकि इसे हम पे करेंगे। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पैसा हम देने जाएंगे तो हम कहेंगे लाइबिलिटी जा रही है, खत्म हो रही है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट और जेब से पैसे जा रहे हैं टू बैंक 1200 1200। सेम जब डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,800 10,800। चाहो तो इसे कंबाइंड भी कर सकते हो एंट्री को, कि टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, एक ही बार कर सकते हो, अप टू यू। ये जो एंट्री 30 सितंबर को ये विदाउट एनी चेंज, सिर्फ डेट यहां पे लिख दो 31 मार्च और पूरी की पूरी ये तीनों एंट्री सेम टू सेम यहां भी आप कर दोगे, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, सेम अमाउंट आपको पे करना है दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये हो गई हमारी, मैंने आपको याद हो बताया था कि राइट ऑफ करना पड़ता है, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा तो उसकी राइट ऑफ की भी एंट्री हमारी करनी जिम्मेदारी है। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी, अगर एसपीआर दे रखा है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व दे रखा है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर कुछ नहीं दे रखा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा। यहां पे देखो कहीं भी कुछ नहीं दे रखा तो हम राइट ऑफ की एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट हो जाएगा 24,000 से। क्यों सर, क्योंकि 12,000 एक बार दिया है, 12,000 एक बार दिया है, टोटल 24,000 है और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया 24,000। ये एंट्री करनी मत भूलना, खत्म, और कुछ नहीं। आप ये वाला क्वेश्चन आई फर्मली बिलीव कि आप अपने आप कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कराऊंगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस। अब ये जो टॉपिक है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, क्योंकि ना ये मैं इस टॉपिक के अंदर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बहुत ज्यादा, इसमें प्रेजेंटेशन का सारा खेल है कि किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पहले इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या ये प्रोसेस एग्जैक्टली कहना चाहता है। ध्यान से देखो, कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, सब जानते हैं, ठीक है ना। अब कंपनी ने, मान लेते हैं एक एचडीएफसी बैंक है, इससे बोला कि भैया मेरे को क्या चाहिए, लोन चाहिए। एचडीएफसी बैंक से कितने का लोन चाहिए, 5,00,000 रुपए का लोन चाहिए। एचडीएफसी बैंक ने कहा ठीक है 5,00,000 रुपए का लोन ले लो, 5,00,000 रुपए का लोन दे दिया। अब फ्री में तो लोन दे नहीं देंगे, बदले में क्या कहेंगे, भाई एज सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखवाना पड़ेगा, नहीं रखवाना पड़ेगा, बिल्कुल रखवाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कंपनी ने एचडीएफसी बैंक पे एक 3,00,000 रुपए की उसके पास बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग को मॉर्टगेज करवा दिया, मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखवा दिया कि अगर मैं आपको लोन वापस ना कर पाऊं तो रख लेना अपने पास। एचडीएफसी बैंक इस बिल्डिंग के मॉर्टगेज से खुश नहीं है, इस सिक्योरिटी से, मॉर्टगेज बोलूं सिक्योरिटी बोलूं एक ही बात है, ये खुश नहीं है, ये चाहता है कि कुछ और भी आप मेरे पास एज सिक्योरिटी रखवाओ तभी मैं आपको ये लोन दूंगी। कंपनी ने कहा और कुछ तो मेरे पास एसेट है ही नहीं सिक्योरिटी के लिए रखवाने के लिए। तब फिर कंपनी का दिमाग ठनका, कंपनी ने कहा कि मैं एक तरीका है जिस तरीके से आपको सिक्योर कर सकती हूं कि अगर आपको मैं लोन नहीं वापस कर पाई तो आप नुकसान का सौदा नहीं करोगे। वो क्या है, उसने कहा कि मैं आपको अपने डिबेंचर्स इशू करूंगी एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का एक दूसरा मतलब क्या है बेटा, कोलेटरल को आप कह सकते हो एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी यानी कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह एक्ट नहीं करती है, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है जो पहली बार दी जा रही है, बट ओवर एंड अबव यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर जब आप डिबेंचर इशू करने की बात करते हो उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी ने पता क्या बोला, कंपनी ने कहा मैं अपनी कंपनी के 6,000 डिबेंचर्स और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, यानी कि 6,000 × 100 6,00,000 रुपीज हो जाएंगे, 6,00,000 रुपीज के डिबेंचर्स मैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा देती हूँ। तो बैंक ने कहा मतलब ये आप मुझे इशू कर दोगे 6,00,000 के डिबेंचर्स। कंपनी का ना नहीं 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 इशू नहीं कर रही अभी आपको, इशू करने का तो मतलब है कि मैंने आपको डिबेंचर बेच दिया, तो ये नहीं करना। ये 6,00,000 के डिबेंचर मैं लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूं एक थर्ड पार्टी के हाथ में रखवा देते हैं। थर्ड पार्टी ना तो कंपनी के कंट्रोल में है, एचडीएफसी बैंक के कंट्रोल में है, ये किसी थर्ड पार्टी के हाथ में रखवा दिया है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जब आप क्रिकेट वगैरह खेलने जाते होंगे, मैच वगैरह खेलने जाते होंगे, तो दो टीम है, एक टीम ए है एक टीम बी है। मान लेते 100-100 रुपए का मैच हुआ है, 100 रुपए 100 रुपए का मैच हुआ है। अब भैया हारने के बाद मान लेते हैं एक दूसरे पर भरोसा नहीं है कि ये बंदा पैसे दिए बिना भाग जाएंगे, तो ये दोनों टीम्स क्या करती हैं, एक तीसरे बंदे के पास अपने अपने पैसे जमा करा देती हैं। ये भी 100 रुपए दे देता है, ये भी 100 रुपए दे देता है, 200 रुपए इस बंदे के पास होते हैं। मान लेते टीम बी हार जाती है तो ये क्या करता है, 200 रुपए इस बंदे को वापस कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से एक बीच में थर्ड पार्टी है जिसके पास एक 6,00,000 रुपीज का डिवेंचर रखे हुए हैं। अगर कंपनी ने ये जो लोन है 5,00,000 रुपए का ये वापस कर दिया बैंक को, तो ये डिवेंचर इशू करने की जरूरत नहीं है, वापस कंपनी अपने पास रख लेगी। बट अगर कंपनी ये 5,00,000 का लोन वापस नहीं कर पाती है तो बेटा ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर्स हैं
ये क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को इश्यू करने पड़ेंगे एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को इसलिए इश्यू करेंगे क्योंकि भाई उन्होंने पैसे वापस नहीं किए और सिक्योरिटी अब अनफ्रीज हो गई है। अब इस चीज को प्रेजेंट करना है हमें कि हम भाई बैलेंस शीट में या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो दो केसेस बनेंगे बेटा यहां पे, एक है कि आप जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, एक है जर्नल एंट्री इज पास्ड। ये दो केसेस के नाम है जो दो तरीके से प्रेजेंटेशन आएंगी, या तो जर्नल एंट्री इज पास्ड या तो जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि किस वाले मेथड से करना है तो किस वाले से करें, तो भैया इस वाले से करो, ये ज्यादा सिंपल दिखता है। अगर क्वेश्चन में डेडिकेटेडली बोला है कि जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ तो आपको सेकंड मेथड यूज करना है, अदरवाइज आप फर्स्ट ही करना। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। पहले फर्स्ट मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा। आप एक बनाना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी है, और नीचे एक्सट्रैक्ट जरूर लिखना। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, बैलेंस शीट का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बना के दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको प्रेजेंटेशन समझ आ जाए। उसके बाद जो लोन है उसकी लोकेशन बताएंगे। हम लिखेंगे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में एक नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम लोग लोन की बात करते हैं, जहां पे इसने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है, तो इसके लिए हमने आगे क्या लिख दिया, नोट नंबर 1 लिख दिया। अब सारी चीजें हम लोग नोट नंबर 1 के अंदर सीखेंगे। नोट नंबर 1 यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स 1, विच इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट है। अब आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, ध्यान से देखो। आप लिखोगे कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है, किससे, एचडीएफसी बैंक से, ठीक है ना। तो देखो टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितने रुपए का, 5 लाख रुपए का, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, आपने टर्म लोन जो बैंक से लिया है, ये चीज आपने अपने, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या होता है, आप जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके लेंडर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, आप इनको बता रहे हो कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके के हैं, तो आप जितना ज्यादा हो सकता है सब कुछ बताते हो। तो अगर आप सिर्फ ये बता रहे हो कि आपके पास 5 लाख रुपए का लोन है एचडीएफसी बैंक से, सिर्फ इतना काफी नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि बात बगल आपने साइड बाय साइड कोई सिक्योरिटी रखवाई है नहीं रखवाई है। तो आप इसमें बताओगे कि आपने भाई 6000 डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब 6000 डिबेंचर 100 रुपए का एक है, वो आपने एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाया है इस लोन को लेने के लिए। तो आपको सिर्फ नीचे ब्रैकेट में एक लाइन लिखनी है कि सिक्योर्ड, ये जो लोन है वो सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ 6009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ये लाइन आपने लिख दी ना, ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका है इस वाले मेथड के अंदर। और ये 5 लाख का लोन है, सिर्फ इसी को एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाएंगे, 5 लाख का लोन, क्योंकि डिबेंचर अभी एक्चुअली इशू नहीं हुए हैं, डिबेंचर सिर्फ रखवा दिए गए हैं किसी के पास। और जब डिबेंचर एक्चुअली इशू नहीं हुए हैं तो भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर नहीं आएंगे, सिर्फ लोन आएगा। बस ये प्रेजेंटेशन करनी है, बात खत्म हो जाएगी। अब केस नंबर 2 या मेथड नंबर 2, इसमें कह रहे हैं जर्नल एंट्री इज पास्ड, तो एक जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, ध्यान से देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यानी कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि बेटा एक सस्पेंस है कि पता नहीं डिबेंचर एक्चुअली इशू करने हैं या नहीं करने हैं। क्योंकि अगर हमने लोन वापस कर दिया तो बेटा हमें डिबेंचर इशू करने की नौबत ही नहीं आएगी, बट अगर लोन वापस नहीं कर पाए हैं तो बेटा डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे बैंक को। थर्ड पार्टी के हाथ में जो डिबेंचर पड़े हुए हैं वो इशू नहीं करे हैं हमने, वो सिर्फ रखवाए हुए हैं उसके पास, ठीक है ना। तो इसलिए हम एंट्री करेंगे डिबेंचर अभी सस्पेंस है, 2% डिबेंचर। अब जरा ध्यान से देखो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। जो बैलेंस शीट बनेगी, मेन बैलेंस शीट बनेगी, वो बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी जो आपने यहां पे करी है, सेम है। बट नोट्स टू अकाउंट्स में चीजें थोड़ी बदल जाएंगी। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप क्या लिखते हो, वही टर्म लोन फ्रॉम बैंक, 5 लाख रुपए का लोन लिया, बिल्कुल देख रहे हो यहां तक टर्म लोन फ्रॉम बैंक, यहां तक बिल्कुल सेम है। बस नया क्या है, अब ये नहीं लिखना आपको, अब ये नहीं लिखना आपको, कुछ और चीज लिखनी है। मुझे एक बात बताओ, आपने जर्नल एंट्री अगर पास कर दी 2% डिबेंचर, यानी कि आपने डिबेंचर्स क्रेडिट कर दिए, यानी कि आपने एक तरीके से डिबेंचर इशू करने का एंट्री पास कर दिया है, यानी कि एक लाइबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई है। तो अब यहां पे लिखोगे कि 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 6 लाख रुपीज। बट बेटा 6 लाख रुपीज के जो डिबेंचर इशू करे हैं, इसके बदले हमें कोई पब्लिक से पैसा मिला ही नहीं है, कहीं से कोई पैसा नहीं मिला। लोन अलग चीज है, डिबेंचर ये सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया, ये अलग चीज है। डिबेंचर इशू करने की वजह से लोन थोड़ी ना मिला है, पैसा थोड़ी ना मिला है। तो आपने यहां 6 लाख लिख दिया,
फिर आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो धोखा दे रहा हूं मैं, आप बताओगे कि सॉरी 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 ये डिबेंचर जो 6 लाख के इशू किया एक्चुअली नहीं करे, इसमें डिबेंचर ये सस्पेंस में है अभी, इसलिए आप माइनस करके दिखा दोगे 6 लाख रुपीज को एज इट इज। 6 लाख में से 6 लाख माइनस करोगे, बाहर जीरो आ जाएगा कि अरे सॉरी यार कोई डिबेंचर इशू ही नहीं किए। आपने एक तरीके से यहां तो निल कर दिया, जीरो कर दिया, बट ये पूरी एक कहानी बता रहा है कि आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं उसके बदले में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी, सॉरी जो आपने लोन लिया है 5 लाख का उसके बदले आपने कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाई है जिसको हम कहते हैं डिबेंचर, और सिर्फ ये 5 लाख रुपए जाके टोटल आपका ऊपर दिख जाएंगे इधर। दैट्स इट, ये होते हैं हमारे दो मेथड कोलेटरल सिक्योरिटी के। एंड ट्रस्ट मी गाइज ऑन दिस, आप इसके बियॉन्ड इस फॉर्मेट में कुछ भी डाल देना, मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था, ये जो 6 लाख का एग्जाम्पल लिया है, 5 लाख का लोन लिया है, इस एग्जाम्पल से मैंने बेटा प्रेजेंटेशन करी है, बस आपके क्वेश्चन में फिगर्स चेंज होंगी, बाकी सब सेम होगा। इस फॉर्मेट को अच्छे से करके चले जाना याद, कोई और दिक्कत नहीं आने वाली, कराने का क्वेश्चन फायदा नहीं है क्योंकि सेम टू सेम है ना। लास्ट जर्नल एंट्री चांसेस कम है बट पूछा जा सकता है कि अगर इन केस, अगर इन केस बेटा नॉन पेमेंट ऑफ लोन हुआ, यानी कि हम लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि लोन वापस कर देंगे 5 लाख का एचडीएफसी बैंक को, बट अगर इन केस आप लोन वापस नहीं कर पाते हो तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये जो डिबेंचर्स हैं ये इशू हो जाएंगे ना एचडीएफसी बैंक को, बिल्कुल हो जाएंगे। और ये जो सस्पेंस हमने क्रिएट किया हुआ था डिबेंचर सस्पेंस, ये सस्पेंस टूट गया क्योंकि सस्पेंस था कि देंगे नहीं देंगे, बट अब ये सस्पेंस खत्म, अब डिबेंचर्स बेटा एक्चुअली इशू करने पड़ेंगे। तो इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए हम एक ऑपोजिट एंट्री करेंगे, दैट इज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, इसको खत्म कर देंगे पहले। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस ये एंट्री ये बताने के लिए कि जो सस्पेंस था वो टूट गया, अब डिबेंचर्स एक्चुअली इशू करके दिखाएंगे एचडीएफसी बैंक को। कितना अमाउंट का, पहले तो जितने रुपए का लोन है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का लोन था बेटा, लोन हो गया, उस लोन पे हो सकता है इंटरेस्ट भी हो कोई, तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी डेबिट हो जाएगा, मान लेते 10,000 रुपए इंटरेस्ट है, और फिर 2% डिबेंचर, अब एक्चुअली डिबेंचर कितने के इशू होंगे वो आ जाएगा 5,10,000 यहाँ पे। दैट्स इट, ये क्वेश्चन है, आप सामने चाहो तो देख सकते हो, इधर पूरी प्रेजेंटेशन दिखा रखी है, आई एम प्रीटी श्योर आपको पूरा समझ आ जाएगा यहाँ से 100%, ठीक है ना। बट जूम कर करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखो जूम, ये रहा 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 खत्म। आप एक बार क्वेश्चंस देखना आपको पूरा समझ आ जाएगा मेरे भाई, और कोई दिक्कत वाली चीज इसमें आएगी ही नहीं। और एक ये नीचे ये वाला क्वेश्चन जो अभी दो जर्नल एंट्री जो मैंने नॉन पेमेंट ऑफ लोन किया है उसका एक क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सब सेम टू सेम है। एंड इस तरीके से दोस्तों हमारे जो पांचों के पांचों केसेस हैं मैं आपको सारे टॉपिक्स करा चुका हूं, और आपका पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर खत्म हो गया है। अब इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, उठाओ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ट्राई करो जितना अच्छा हो सकता है, कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को, और एग्जाम में फोड़ के आ जाना, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर समझ आया है तुम लोगों को, ऐसे चले जाते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, टेक केयर।